मुस्तफ़ा राइडर के नाजरीन मरहबा। तो कैसे हैं आप लोग? अभी पहलगाम से निकले और हम लोग आए यहाँ पे ऐश मकाम। ऐश मकाम सकल जैनुद्दीन के यहाँ, ये वही दरगाह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान की जो कव्वाली हुई है, भरदो जोली मेरी या मोहम्मद पाकिस्तान बताया गया है, तो वही दरगाह है। वहीं पे हम अब आए हैं, वहीं पे ज़ियारत करेंगे फिर आगे निकलेंगे। चलिए देखिए स्टेप्स कैसे हैं, बताते हैं आपको। आर यू रेडी चढ़ने के लिए? हेलो दोस्तों, ना मौसम ठंडा है लेकिन चढ़ते चढ़ते पूरा पसीना हो गया। क्या बोलते, क्या बोलते? बड़े चलो, बड़े चलो। चलो बस पहुंच गए करीब। ये देखिए इतने स्टेप्स बचे, पहुंच गए दरगाह पे। ये देखिए ऊपर भी है और यहाँ नीचे घाट है और यहाँ पे भी मज़ार है। तो उसकी तहकीक मैं करता हूँ पहले। जो मज़ार यहाँ घाट में शायद उसका ही ऊपर बना है, जैसा कि सरहिंद में था सियारत के लिए ऊपर बना है। तो देखते हैं, अभी तहकीक करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये अंदर घाट में जाने का रास्ता है यहाँ से और ये ऊपर, देखिए घाट में जाने का। चलिए घाट में चलते, शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं। طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ایک قدم وہ। ये दरगाह शरीफ है दोस्तों और ये मस्जिद, ये भी मस्जिद। अब यहाँ से व्यू देखिए आप, व्यू देखिए ज़बरदस्त। देखिए ये रोड है, गाड़ियाँ वगैरह जा रही है। ये पूरा शहर आबाद है, मुकाम ऐश मुकाम नाम है इस जगह का। दोस्तों अभी जो गार्ड में गए आपने जो ज़ियारत की, वो सफ़ी जैदुद्दीन की जो है मेन मज़ार है। और जो ऊपर है, बताते इनके दोस्त वगैरह थे और यार मतलब जो गार्ड में इनके साथ रहते थे, इनके जो दोस्त थे गार्ड में, वो उनकी भी मज़ार है ऊपर, ऐसा मेरे को मुजावर ने कहा है। बाकी वल्लाह आलम बिस्सवाब। चलिए ये देखिए ऊपर जो बताता हूँ आपको, फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, यहीं से ऊपर फिर चढ़ने की हिम्मत भी नहीं है, यहीं से आपको ज़ियारत करा। ये देखिए दोस्तों, ये दरवाज़ा है ना लगा हुआ, उस पर ताला लगा है, पता नहीं कुछ काम चालू होगा इसलिए फ़िलहाल अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। चलो निकलते हैं फिर यहाँ से आगे की ओर। तो दोस्तों आपको कश्मीर की इन हसीन वादियों में छोड़े जाते हैं, तो बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले।